जनता दल यूनाइटेड के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का गुरुवार रात गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया। वो 75 वर्ष के थे और काफी वक्त से बीमारी से पीड़ित थे। सांस लेने में तकलीफ होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। शरद यादव के निधन की जानकारी उनकी बेटी सुभाषिनी यादव ने फेसबुक पेज पर दी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पूर्व केंद्रीय मंत्री और जदयू नेता शरद यादव को श्रद्धांजलि दी। राहुल गांधी ने कहा कि मैंने शरद यादव जी से राजनीति के बारे में बहुत कुछ सीखा। वो आज हमारे बीच नहीं रहे तो काफी दुख हो रहा है। उन्होंने कभी अपना सम्मान नहीं खोया, क्योंकि राजनीति में सम्मान खोना बहुत आसान होता है। जानता नहीं था और पब्लिक मीटिंग खत्म होने के बाद सब वापस जा रहे थे, तो मैंने उनको देखा, वो सड़क पे चल रहे थे। काफी मतलब वहां पे कंफ्यूजन था, सब नेता निकल रहे थे, तो मैंने उनको देखा चलते हुए। तो मैंने कहा शरद यादव जी आप हमारे साथ चलिए, तो मैंने उनको गाड़ी में बैठा दिया और फिर मैंने उनसे कहा कि शरद यादव जी मैं जानता हूं कि आप राजनीति को बहुत गहरी तरीके से समझते हो, तो मैं अगले दो दो घंटे का रास्ता था, मैंने कहा कि मैं अगले दो घंटे कुछ बोलूंगा नहीं, बस मैं आपकी राजनीतिक अनुभव जो है उसको मैं समझना चाहता हूं, तो मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोलिए। तो उन्होंने दो घंटे मुझे हिंदुस्तानी राजनीति के बारे में, उनकी क्या राय थी, उनकी क्या व्यू पॉइंट थी, ये समझाया। फिर उन्होंने जो ऑपोजिशन के लीडर थे, तो मेरी दादी के साथ उनकी काफी मतलब राजनीतिक लड़ाई हुई थी, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि राजनीतिक लड़ाई थी मगर मेरी दादी और उनके बीच में इज्जत और प्यार का, मोहब्बत, रिस्पेक्ट का रिश्ता था। और जो वो उन्होंने मुझे दो तीन घंटे में बताया, वो एक रिश्ते की शुरुआत थी और मैं शरद यादव जी से बहुत सीखा हूं राजनीति के बारे में। और जो कैरेक्टर होता है, रिस्पेक्ट होता है, उसके बारे में तो काफी दुख हो रहा है। मगर मैं सोच रहा था, अभी बैठा था, मैं सोच रहा था कि शरद यादव जी नहीं रहे, मगर जिस प्रकार से उन्होंने अपनी जिंदगी जी, कभी उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं की। राजनीति में रिस्पेक्ट खोना बहुत आसान होता है। शरद यादव ने जयप्रकाश नारायण से लेकर चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी लंबे समय तक राजनीति की। शरद यादव कुल 7 बार लोकसभा सांसद चुने गए और 3 बार राज्यसभा के सांसद बने। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.